नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज. इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डिटर्मिनेंट ए एंड वी नीड टू शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 0 मैट्रिक्स. इजंट इट? तो हमें ये प्रूफ करना एंड देयर आफ्टर हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. इजंट इट? सो नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. देखिए पहले हमने ए डिटर्मिनेंट लिया, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया. ए स्क्वायर क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट की ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दी. मल्टीप्लाई वी नो वेरी वेल रो की कॉलम से करते हैं, दोनों कॉलम से हो जाएगी. देयर आफ्टर इस रो की इन दोनों कॉलम से हो जाएगी मल्टीपल. हमें ये गेट हो गया. क्लियर? अब हमें कुछ नहीं करना. वी नीड टू टेक LHS. LHS हम लेकर चले. इट इज़ LHS ओवर. LHS हम लेकर चले और फाइनली हमें वैल्यू पुट करने पर, सोल्व करने पर 0 0 की मैट्रिक्स गेट हो गई. तो दिस इज़ द ज़ीरो मैट्रिक्स वी कैन से. ये ज़ीरो मैट्रिक्स है. अब इसके बाद देखिए पहला पार्ट प्रूफ हो गया. वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ओवर हेयर. अब हैंस हम लेकर चले. ठीक, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ज़ीरो से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. फिर उसके बाद हमने पोस्ट मल्टीपल कर दी. देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स. इजंट इट? ए इनवर्स की पोस्ट का मतलब होता बाद में ए इनवर्स की मल्टीपल कर. देखो इसे ब्रेक, ये स्क्वायर है. देखिए यहाँ पर ये इनटू है. ठीक, ए इनटू ए, ए इनवर्स ऐसे. यहाँ पर ए इनवर्स ले लिया और इधर भी ए इनवर्स ले लिया. क्लियर है इतना? उसके बाद ए इनटू ए इनवर्स हो गया. ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाती. ए इनटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाती है. क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ भी इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक बन गई. ठीक है, यहाँ आप तो लिखी थी. अब आइडेंटिटी मैट्रिक बन गई तो देखिए ये देखिए ए आई माइनस फाइव आई. उसके बाद हमने क्या किया, इस माइनस सेवन को हमने लिख दिया ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस अपॉन में लेगा माइनस वन ओवर ए माइनस फाइव आई. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे. ठीक है, हम इसमें वैल्यू रख देंगे. देखिए एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स से मल्टीपल करते हैं तो मैट्रिक्स ही गेट हो जाती. इजंट इट? और अगर आई की आइडेंटिटी मैट्रिक की किसी स्केलर से मल्टीपल करते हैं तो वो साथ ही में रहता. देखिए जैसे ये फाइव आई रहा, आई क्या है आइडेंटिटी. अब देखिए इसमें यहाँ पर वी पुट द वैल्यू ओवर हेयर और वैल्यू पुट करने के बाद हमें ए इनवर्स की वैल्यू गेट हो गई आफ्टर सॉल्विंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन इसका बहुत आता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. या तो 3a³ का आएगा या ए स्क्वायर का आएगा आपके एग्ज़ाम में. इजंट इट? सो नाउ मूव टू नेक्स्ट वीडियो. वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.